हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली इंटरव्यूज। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम सुनो चंद्र ड्रामा के एपिसोड 22 पर रिएक्शन दे रहे हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं कि आगे क्या-क्या होता है। साथ में एपिसोड 22 आगे एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तुम्हें एक कहानी अब याद आ रही है भाई, ये जिया को याद कर रहा है, जिया इसे याद कर रही है। वैसे अच्छा है यार इसका। सुनो चंदा, सुनो शहाना ने इतनी अच्छी बरी तैयार की है कि मजा ही आ गया। अच्छा तो ये बरी है या कराची का बिरयानी जिसे देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। मेरी बात सुने, कल सुबह फर्नीचर लेने जाना है। क्यों? बेटी को कुछ देना बेना नहीं है, कैसे बाप हैं आप? किसी चीज का एहसास नहीं है। ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, वो तुम्हारा पहाड़ी बकरे जैसा भतीजे को अपना पूल सा बची दे रहा है, ये काफी नहीं है? खुदा का कसम, कभी कभी तुम्हारा दिल करता है साफ साफ इनकार करो। खबरदार, ऐसी बेवकूफी मत करना। इतनी मुश्किल से सब मामला सेट हुआ है। हम पहले अपनी वालदा मोहतरमा को तो सेट करो, जो आते जाते हमको खूनी नजरों से ऐसा है देखता जैसे हम उसकी खुशियों का कातिल हैं। वो भी ठीक हो जाएंगी, क्यों फिक्र करते हैं? ठीक हो ही ना चल। खुश पेशावर को क्यों घसीट लाते हैं? जब किंजा की शादी हो जाएगी ना तो चले जाएंगे वापस। हाँ, फिलहाल तो इस कमरे से जा रहे, जब देखो टक 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 टक। कमाल का बंदा है यार ये, बहुत सही बंदा है। थैंक यू। किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने के लिए। मैंने तो नहीं की, लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि नहीं। अब समझेगा ये। समझ में नहीं आ रही है बात। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है? अम्मा क्या हो गया है, मैंने प्रिंसिपल से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने में, इसीलिए जा रही हूँ। जिया तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती? मैं कुछ पिकनिक मनाने थोड़ी जा रही हूँ, अभी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। तो घर वापस कौन ड्रॉप करेगा? छोड़ देगी ना अम्मा मुझे? अच्छी तरह पता है कि वो साथ की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर, कौन मनाएगा इफ्तारी? अम्मा क्या हो गया है, आप इफ्तारी बाहर से मंगवा लेना, वैसे भी मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो करती नहीं। ठीक है जाओ, पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। जी आप अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। यही गड़ावा, वही गड़े होकर सुन रहा है। यही गड़ा हो गया, यही यार। कॉलेज की ड्रेस है। हम क्या करता, हमारी बीवी का हम पर बहुत प्रेशर था। अगर हम आपको दिल की बात बताएं ना तो खराब का बच्चा हमको भी अच्छा नहीं लगता। हमारी बीवी का दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। ये उसकी हेल्प कर रही है। मुझे चला जी। कुर
कुर्बान जला कुर्बान बिलोची मटन चलो किस बंदे को पकड़ा इसमें भी यार कुल का बताओ मसला क्या है सीधी सी बात उस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है जमशेद के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की कोई जरूरत नहीं है अब कुछ भी नहीं हो सकता सब कुछ फाइनल हो चुका है शादी का कार्ड मेन्यू जगह अब हम क्या करें ठीक फिर जमशेद जी के सामने अपनी शराइत रखें इस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है जलाल जी शर्तें कैसा शर्तें मैं बताती हूं बताओ बेटे फिर तू कैसे एक्सप्रेशन है भाई क्या करता है यार ये बंदा यार ये बिल्कुल लट्टू है यार इसमें भाई इसका कोई भरोसा नहीं है कुछ भी कर सकता है संभल के इसने कर दिया अपना काम मुझे लगता है कि यार तुम्हें मोहब्बत हो गई अरसल से ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा ही है यार तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती आजकल तुम्हें उसके काम करना अच्छा लगने लगा है और तो और तुम्हें वो अब इरिटेट भी नहीं करता तो और क्या है ये हुमा ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड बस ये डाल देते ये बात बोल देते तब भी था जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते थे जरा जरा सी बात पर शायद अब हम दोनों मैच्योर हो गए बस कर दो जिया क्यों इस बात को एडमिट करने से इतना डर रही हो मान लो अब तुमने मोहब्बत ही की है कोई गुनाह नहीं किया सही कह रही है हुमा मुझे लग रहा है कि वो आ गया है ठीक है मैं चलती हूँ मैंने वैसे भी उसे 12 बजे का टाइम दिया था अरे किया वो अभी नहीं आया होगा अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने ठीक है कुछ नहीं होता मैं चलती हूँ बस चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ चलो साथ ही चलते हैं अच्छा वो जो है ना मुझे बुक्स भी लेनी है रास्ते से सारी बातें होती है भाई को बीजान को तो दिखाया अरे यार अब दिखाया बीजान को तो नज़ाकत इफ्तारी का सारा सामान आने वाला है ये लिस्ट लिस्ट सही तरीके से थोड़ी छोटी अरे भी फोन करके मंगवा लो ना होम डिलीवरी करवा लो जी ने आपको खुद जाना पड़ेगा मीठा भी तो रखना मैंने उनके सामने ये भाई क्यों आज दोपहर से ही दस्तरखान सजा के बैठ जाओगे क्या वो बीजान कुछ मेहमान आ रहे हैं इफ्तार के लिए मेहमान कौन मेहमान अब अब जिया के सिलसिले में बीजान कौन सा सिलसिला ये पहाड़ी सिलसिले तो मैंने सुने हैं वो बीजान उम्मीदों से ना आलिया वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है जिया के लिए सुना तुमने शाहजहां शाहजहां भी आ गया यहाँ पर निकाह शुदगान के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं ये हाल है मेरी औलाद का बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे अपनी औलाद के बारे में तो सोचो ये मिस हो रहा था यार ये हाँ जरूर सोचो तुम्हारी औलाद है तुम्हें सोचने का हक हासिल है अनोखी औलादें जो पैदा कर ली है तुमने हमने तो भैया इंटरनेट से सीधे डाउनलोड किए थे बच्चे इसलिए हमें कोई इख्तियार नहीं है वैसे ये तरीका ठीक नहीं है नज़ाकत अरसल का मामला तो निपट लेने देते पहले और अगर जिया का रिश्ता कहीं तय करना ही था तो खानदान से बाहर क्यों खानदान से बाहर मैं समझा नहीं आगा जान इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नज़ाकत तुम छोटे हो ना तो तुम्हारी समझदारी भी जरा छोटी है
अपनी अकल पर बोझ ना डालो ज्यादा। वैसे बीजान, आपकी नवासी का भी तो रिश्ता हो रहा है ना आपके पोते के साथ। हाँ, मेरी बला से तो मैं कौन सा बाजू फैलाए जा रही हूँ उनके इस्तकबाल को। मना कर दो अपनी सहेली को, इफ्तार पर आना है 100 बार आए, लेकिन ये रिश्ते बिश्ते की बात ना करे। आई एम सॉरी बीजान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये भी बोला नहीं। लो, इस गोल तो लिखा ही नहीं, मैं खुद ही जाऊं अब। ये बहाने से क्या है? जन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम करने इन्होंने खानदान में। एक बड़े मियां, बड़े मियां। यार तुमने वार्डरोब क्यों सेट किया? मैं कौन सा पहली बार किया है, लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से। नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं है। उसे तो बताना चाहिए था तुम्हें। क्यों? बाहर पढ़ने जा रही है, उसके साथ यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा, लिस्ट से पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक कह रही हो, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं। चले क्या चल रहा है? मजा आ रहा है यार ड्रामे में। मतलब ड्रामे की स्टोरी ना ऐसी पलटी है, मतलब एकदम से बीच में स्लो हो गया था। हाँ, लेकिन अब फिर से जब से इनकी बातें हो रही हैं, इंसिडेंट हुआ है ना वो गोली वाला इंसिडेंट, उसके बाद से कहानी पलटी है। हाँ, वहां से उसके बाद जिया को प्यार हो गया। उसकी बातें हो रही है ना वो, बस अच्छी लगने लग गई है। ये एहसास दिला रहे हैं एक दूसरे को कि हम कितना प्यार करते हैं। हाँ, और जिया को बार बार ये शेरी के बारे में पूछ के ना ये कंफर्म करता है कि भाई इसका कुछ है, कोई बातचीत हो रही है नहीं हो रही। तो गाइस आगे देखते हैं यार। वो शाहजा यार जब आता है ना, मुमताज जब मुमताज मियां तो बड़े मियां छोटे मियां, सुभानअल्लाह भाई क्या ताना देती है यार मुमताज भी। यार कम मुमताज के बिना तो ऐसा लगता है कि यार अभी कुछ मिसिंग है यार, कुछ जब तक उसकी वो नहीं होती ना, बहस नहीं होती किसी से, वो हो जाए या वो हो जाए, क्योंकि उसके पास ना हाजिर जवाब ही है। वो हर उसके पास हर किसी को मुमताज ऐसे जवाब देती है। हाँ, कि आए जैसे इफ्तारी पे आए। हाँ, बेशक 100 बार आए, 100 बार आए, लेकिन रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ, रिश्ता लेकर ना है वो, एक बात थी, एक दम था यार बात में। हाँ, क्योंकि पसंद नहीं है यार, बड़े हैं और वो कर चुके हैं रिश्ते। हाँ, और यार मतलब वो अपनी बेटी, मतलब बेटी के लिए भी वो खुश थोड़ी है। वो मुंह पे बोलती है कि हाँ, मैं कौन सा हाथ फैलाए बैठी हूँ, मतलब हाँ, किन जगह अगर शादी हो रही है तो वो तो जबरदस्ती का रिश्ता हो रहा है वो तो। हाँ, वो उसके अगेंस्ट ही है उसकी शादी के, तो सही बोलती है वो मुंह पे। जो भी चल रहा है गाइस मजा आ रहा है। अरसल और जिया की बात आगे देखते हैं कि आगे वो रिश्ते वाले आते हैं, क्या बात होती है, देखने वाली चीज होगी। गाइस नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 23 स्टार्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन।